धर्म कई बार सहज सहज भी उन्नति होंगी, कई बार छाल भी लग जाती, छलंग लग गई, जंप कर गए, पापा के पहाड़ एको बारी लंघ है। वैसे कई बार ऐसा होंगे कि बंदा चाहता एक एक करके अवगन छड़ा, एक एक करके, पर कई बार कहता है झोली चो एक एक जो कड़ा कट्ठे ही सारे क्यों ना सुटते हैं, इको दिन ही छड़ते हैं, एक एक करके कौन गिनेगा, इको बारी छड़ते हैं, इको बारी छड़ना तो गुरु तो इको बारी सदके हो जाओ, गिन गिन के फिर भेटा नहीं, फिर तो वारिया ना जावा, एक वाह इको बारी क्यों ना सदके हो जावा, कुरबान क्यों ना हो जावा। जेड़े इको बारी सदके हो गए, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकेता, अंधले त्रिभुवन सोजे या गुर भेट बनीता, महिमा साधु संग के सुनो मेरे मेता, मैल खोई मन दी मैल, मैल खोई कोट अग हरे, करोड़ा पापा का विनाश हो गया, निर्मल भय चीता इस संगत दी बरकत, ऐसी भगत गोबिंद के कीट हस्ती जीता, कीड़ी ने हस्ती नू जित लिया, ऐसी भक्त गोविंद की कीट हस्ती जीता, सिंह बुलाई होएगा, निर्दयी मन जड़ा से उन बिल्ली घर गई, बिल्ली घर च जिवें तुरी फिर दी है, कोई डर नहीं पै नहीं, सिंह बुलाई होएगा, हो त्रिण मेहर दखीता, ते तीले वर्गा जड़ा कमजोर बेचारा नाचे से वह पहाड़ वर्गी हस्ती बन गया, जिवें मेहर करो त्रिण ते मोह जाहे, मेरे वर्गे तीलियां नू पहाड़ बना देंदे, मेर करो तन ते मोह जाहे, गरीब नवाज न दूसर तो सो, भूल शिमो हमरी प्रभे अपन भूलन हार, कहां को मोसो, तुसी ते प्रगट भय सब जगत में फिरते पै नाम, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सवा, राजा शम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी, हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, बस तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बस, जल ते थल कर थल ते कुआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करावे, पिखारी ते राज करावे, राजा ते पिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी, ए उस दियां बरकतां ने, साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। गे एक मसला ऐसा सामने रखा कि कुछ चिन्ह चुने गए कि पता लग जाए ये कौन है, वर्ण वंड इत जो हो कि दूरों पता लग जाए शूदर आ रहे है, वह लिबास ही वखरा हुंदा सी, कईयां दे ते गल च ना टल बन्ने हुंदे सन भई उह खड़कियां घड़ियाल लैके खड़काउंदा जाए कि लोकी पासे हो जाण शूदर आ रहे है, कईयां ते ते इत्थे तक कीता गया कि पिछे मोड़ा बन्निया हुंदा सी जिधरों लंघे मिट्टी भी साफ हुंदी जाए, क्योंकि वड्डी जात वाले आउणा है कि ते पिट ना जाण, सुन के हैरान हो गए कि पंडित भुल गए, हुण राह नहीं लभदा पिया, बंदा को लभदा नहीं, अगों आ गया शूदर, हुण राह पुछना सीधा नहीं पुछ सकता, भाया मैं की आखेगा सीधा, मेरे वीर वीर और शूदर नूं, उह ते समझदा सी जे इहनूं वीर आख लिया तो सतकुला नरक नूं जाणियां ने, नहीं पता की कहना, जुतीए रस्ता किधर जांदा, तो वह बेचारे जुतीए नहीं आना, उन्हें आखने चादरी रस्ता इधर जांदा, वो सिद्धा ना, आहा शूदर के लिए हिंदुस्तान गमखाना है, दर्द इंसानी के लिए इस बस्ती का घर बेगाना है, पता लगता सी वैश आ रहे, उदा लिबास पता लगता सी क्षत्रिय आ रहे, शस्त्र कोल, पता लगता सी ब्राह्मण आ रहे, मथे ते तिलक हुंदा सी, इसे लई तिलक ने जदो तिलक जबरदस्ती उतारेगा क्यों दुखी होए ब्राह्मण, पता क्यों, तिलक ना होवे ते किसे नमस्कार नहीं करनी, किसे ने उनु ब्राह्मण नहीं कहना, इत्थे फरमा रहे ने कि तिलक हीन जथा विपरा, विपर ब्राह्मण, जिमें तिलक तो खाली ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं रह जांदा, तिलक है ते ब्राह्मण है नहीं ते कोई ब्राह्मण नहीं, अमर हीन जथा राजन है, अमर दा अर्थ हुंदा हुकम, हुकम मन्ने ही कोई ना, ते राजा जी आखी जाओ,
कौन उन्हूं बादशाह मनेगा, आख्या ते राजा नहीं बन जाना, उदा हुक्म ही कोई मने, हुक्म कोई नहीं, सहदा भाव सता ही कोई नहीं रह गई, ताकत कोल कोई नहीं, जिवे सता तो बहूना राजा है आप दहीन जथा सूरा, आप दुंदा है शस्त्र, शस्त्र कोल कोई नहीं, जिवे शस्त्रहीन सूरमा, सूरमा ते है हथियार कोल कोई नहीं, लड़ना ते हथियार नाल है, हथियार कोल है ते योदा हथियार गए, वो कोई सूरा बहुत हीन हो गया, नानक धर्म हीन तथा वैष्णव, धर्म तो हीन वैष्णव इंज वैष्णव साध बहुत साना। गुरु साहब जी ने वो जो मिले ने उन्होंने कहा भाई वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, ये विष्णु दे भगत होंदे सन वैष्णव साधु, वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पेन, तुसी फिर विष्णु की माया च क्यों फसे हो जी उसके भगत हो, तुसी ते माया दे भगत हो, सदेश माया दा भगत रहे है, एक केवल ते केवल सारी दुनिया दे देशां च एक साडा ही देश है जिते एक दिन चेचिया मिथे है कि माया की पूजा करन, रब का नाम कोई नहीं लैंदा, उस दिन लक्ष्मी पूजा, नारायण भी छड्ड दिता उस दिन, वैसे आम करके लक्ष्मी नारायण कट्ठा हुंदा, उस दिन कल्ला ही लक्ष्मी पूजा, दिवाली लक्ष्मी पूजा। सज्जन पुछदे ज्ञानी जी बनेरे ते दीवे लोकी क्यों जगाउंदे ने, सारे उस दिन आखिया इसलिए जगाउंदे ने कि अज माया ने आउणा किते ठेडा ना लग जाए, सीधी साडे घर आ जाए, किसी होर घर ना तुर जाए, ये परंपरा सी अज ते नहीं निभाउंदे, किते चोरी ना आ जाए, लोकी बंद कर देंदे दरवाजा, दरवाजे खुले रखने, दरवाजे खुले रखने ने, घर दे उत्ते दीवे जगाउणे ने, लक्ष्मी दी पूजा करनी है। ये पूजा देश विच होई, लक्ष्मी नारायण की पूजा वैष्णव भी करते सन, साहब कहते ने भिन्न होना सी, तुसी ते पूजन लग पे विष्णु की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो ने कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, वैष्णव कौन, काहू फल की इच्छा नहीं बाचा, केवल भक्त कीर्तन संग राचा, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर होवत कृपाल, भाई भगत ओ है जिसके कोल धर्म है, धर्म नहीं ते धर्म बिना कोई भगत नहीं, ते जिसकी पूजा करते हो तुसी छापे भी लवा ले, बहुत सारे ऐसे सन लगते सन अयोध्या च, छापे लगते सन द्वारका विच लगते सन, उन्हें की करना, लोहे दे बना के ठप्पे रखे सन, तपा के ने चंगी तरह बाहां ते ला देने, वो लग जांदा सी गदा, एक पासे कवल फुल बन जाण, सुदर्शन चक्कर बना लिया, ये छापे फिर पक्के ही मरदियां तक वो नाल जांदे सन, क्योंकि सड़ जांदे सी, सकैनो निशान पै जांदे सन। सतगुरु कहिंदे ने परमात्मा कहिंदे हो, पर परमात्मा नू ते ना कोई संख दा छापा, ते ना कोई उन्हूं लोड़ गदा, ना कोई उसनू लोड़ चक्कर दी, हद हो गए, जिहड़ा कि छिण च आखे सृष्टि बन जाए ते बन जाए, मुक जाए ते मुक जाए, गल्लां अपनी रख्या वास्ते रखेगा। जाप साहब विच भी बड़ा सुंदर फरमाया, चक्कर चिहन यार भरन जात अर पात नहन जय, रूप रंग यार रेख पे को कह न सक, तुसी ते रूप मिथ देता पर अरूप है, ना संखं देवत्यां कोल होणगे परमात्मा कोल नहीं। पंत प्रकाश दा एक बचन मैं तुहानूं सुना दिया, हर सिखों नूं पल्ले बन्ने, हिंदू कहत जिन्हें अवतार, परमेश्वर तन धारे सार, परमेश्वर थप पूजत मानत, भजन ध्यान उन्हीं का ठानत, सिख उन्ने परमेश्वर न माने, परमेश्वर के सेवक जाने, सेवक दे अनेका होए, परमेश्वर ते ना जन्मदा ना मरदा, इत्थे तक कह दिता पातशाह जुबान सड़ जाए और रसना जल जाए, जिहड़ी कहिंदी है परमात्मा जोड़ना च आया, परमात्मा जन्मया, सगल परवाद देह ला रोनी, रोन वाली देह बना लैनी छोटी जी, भगवान नु बच्चा बना देना छोटा, सगल परा दे वड्डे पापा तो पाप,
देह लहरोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी। उते मूह सड़ जाए जिहड़ा कहिंदा ठाकुर जोनियां विच आउंदा उसनू कह दिता अजोनी साहिब हूं। मूल मंत्र विच ये गल खंडन कर दिते परमात्मा जन्म दा नहीं। जाप साहब दा एक पदा सुना दे, बड़े ध्यान नाल सुनना। न पोतर है न पुत्र है न छत्र है न मित्र है न तात है न मात है न जात है न पात है। न साकं शरीक है अमितो अमेक है सदैवं प्रभा है अजा है अजा है। जे तेरा को पुत्र होवे तो फिर तू भी किसी का पुत्र होवेगा। अज तक को बंदा है कि आप अपना तो पुत्र होवे तो मैं किसी का पुत्र ना होव। जे मेरे घर कोई जन्मया तो फिर मैं भी किसी के घर जन्मया, तो जोड़ा जन्मदा फिर वह मरदा जरूरी है। जे परमात्मा जन्मया तो फिर तो जन्म मरण के गेट से आ गया नहीं। ना वो जन्मदा है ना मरदा ना को उसका पोत्र ना को पुत्र ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। वो तो जो है सो है। ना संखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामं आश्चर्य रूपं। उहदा रूप की है कुछ नहीं मिट सकते। उसनू क्या अरूप है अनूप है। अरूप है उपमा रहत है परमात्मा। तेरे बारे की कहिए। भगत रविदास जी कहते ने कह रविदास कथ कथा बहु काहे करी जाए। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जाए। उपमा दईए तां परिभाषा होंदी है तां डेफिनेशन होंदी है तां उस वर्गा दूसरा दसना पैंदा। इस वर्गा ते रब ते दूसरा है नहीं। किस वर्गा कहिए कि रब किस वर्गा परमात्मा किस वर्गा। तू अपने जैसा आप ही जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दे जा। ना संखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामं। स्याम दा अर्थ की हुंदा सांवला। किशन जी नूं कहा सी सांवला कहिंदे ने ना ही तू कृष्ण है तू सांवला नहीं। क्योंकि रूप आ गया आश्चर्य रूपं। आश्चर्य दा अर्थ है जिहड़ा बयान ही ना होवे कह ही ना सकीए। आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं। जन्म तो रहता है तू जन्मदा नहीं। ना कोई मां ना कोई बाप क्योंकि जन्म नहीं अजन्मा है। नेत नेत कथंत वेदा। ये पंक्ति बहुत ध्यान मंगती है। शब्द है वेद नेति नेति। भाव यह सी कि जिनी भी व्याख्या भाषा अज तक हुई है ना जो लिखिया गया असल में व्याख्या सारी नकारात्मक है। विदाक हो नहीं सकती। उसका कारण है कुछ गल्लां वल ध्यान दिओ तुहानू बिल्कुल ही जपन गईयां निरालियां जईयां। अज तक किसे ने प्रकाश नहीं वेखे। हैरान हो गया वेखने पया नहीं नहीं प्रकाश नहीं दिस रहा वस्तुआं दिस रही ने तुहानू। जिसनू असीं कहने वेखने प्रकाश नहीं ना किसे प्रकाश वेखे ना आकाश वेखे। आकाश की दिसदा बदल दे वेख लै हवावां दे रंग वेख लै। वस्तुआं पदार्थ दिसते पए ने प्रकाश किसे नहीं वेखिया। प्रकाश की है प्रकाश विच कुछ वेखदे हाँ असीं जो वेखदे हाँ प्रकाश विच वेखदे हाँ। प्रकाश नहीं प्रकाश दा की रूप है कोई पता नहीं। नंकार दा की रूप है कोई पता नहीं। वो आप जानता है। नेति दा अर्थ सी कि आखिए ना ये रब वर्गा है। वह कहते नहीं ये भी नहीं ये है ये भी नहीं ये है ये भी नहीं। नेति दा अर्थ है कि नहीं 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 उस वर्गा कोई भी नहीं। तो फिर वो की है कहते ने अनुभव होंदा दस्या नहीं जाता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। एक दरवेश कुछ कट्ठे होए ये कहन लगा मैं समाधि चलिया। कहन लगे जो लैके आवे सानू ही देवी। अखां खोलियां की लिया। कहन लगा उस बाग में जाके बेहोश हो गए हाँ। कोई सुगंधी जी आ गई नाल ते वेख लो मैनू कुछ नहीं पता मैं कुछ नहीं कह सकता। उत्थे जाके उहदे विच ही जिहड़ा लीन हो जांदा है की दसे। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। जे हो जाना मैं जान भी लवा अखा ना ही। जे गुरु नानक देव का बचन है तो उस नाल वड्डा कौन है जिहड़ा सानू दसे।
जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाए। गुरा हे सतगुरु इनू बिंदे रहत पढ़ना, गुरा गुरा नहीं पढ़ना, गुरा एक देह बुझाए, मैं एक सोझी दे दियो बुझा दियो, करन वाला कम मैं करा, इस पासे ना पै जावां, रब की है, रब किड्डा वड्डा है, रब कित्थे रहिंदा, नहीं, गुरा एक दे बुझाई, असल काम करन वाला, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जा, याद करदा रहा, मैनू भुले ना, असल करन वाला काम यह है कि मैनू भुले ना, बाकी ते सदियों फिलासफी की तना तनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां थी वहां रही, उसनु कोई किवें सुलझा सकेगा, रब किड्डा वड्डा है, रब की है नहीं, प्राप्त किवें हुंदा, मारे की है, उस दे विच लीन किवें होना है, सो मैं विसर ना जाए, एहो एक केवल ते केवल एक मार्ग है, नेत नेत कथंत वेदा, कथन करदा वेद ना इति, परमात्मा नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ऊच मूच पार गोविंद है, ऊच दा अर्थ है उच्चा, कुछ प्रमाण दे ही जावां, अति ऊंचा, अत दा अर्थ जिथे हो गया ना अगे कुछ नहीं, अति ऊंचा तांका दरबारा, अंत नहीं किश पारा वारा। तुसी ये सुन के हैरान हो गए कि जेड़ा उच्चा है ना, असी उन्हें उच्चा ते कह सकने हैं, नीवा नहीं, खड नीवी है उची नहीं, पहाड़ उच्चा है वो खड नहीं, पर इत्थे वड्डे मेरे साहबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, वो गहरियां तो गहरा है ते उच्चियां तो उच्चा, मैं पेखे और उच्चा मोहन सब ते उच्चा, सब तो उत्ते भी हो, सब तो गहरा भी हो, वो परमात्मा ऊंच उच्चा, मूच वड्डा, ऊंच मूच अपार, जिसका पारला किनारा, समुद्रां दे भी पारले किनारे हैं, एक थां तो शिप तुरदा है, दूसरे थां जा लगदा, समुंदर वड्डा है, अपार नहीं, पर वो अपार है, ऊंच मूच अपार गोविंद है, बसंत साध रसेंग, परमात्मा वसदा किथे है, असल विच जिथों जिथों प्रगट हुंदा ना अनुभव हुंदा, वो थावां कह दित्तियां है ते वो सारे, पर यह भी कह दिता परमात्मा संगत विच वसदा, वे संगत हर पर वसे जू, यह भी कह दिता प्रभु जी बसा है साध की रसना, क्योंकि गुरु की रसना तो गुरबाणी आउंदी है, बाणी जिस रसना तो निकली उत्थे रब वसदा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, प्रभ जी बसे साध की रसना, हिरदे विचों बाणी निकलदी उत्थे वसदा रब, इत्थे कहा बसंत साध रदियों, गुरु दे हिरदे विचों वसदा ओ परमात्मा, बसंत साध रदियों अच्युत, अविनाशी परमात्मा निरंकार, गुरु दे हिरदे विच वसदा बुझंत नानक बड़भागी है, पर उसनू बुझदे ने समझदे ने वड्डे भागां वाले, असी वड्डे भाग ही समझदे हाँ कि वड्डे भाग होण ते कुछ मिल जाए, की मिले, पदार्थ मिल जाण, वैसे गुरु कोलों जो लैण आउने आ, मैं तुहानू चेता करा दिया, बाकी ते बिना मंगे ही, सच ते है कि उन्हें तुहानू पहले ही दे दिता, अनमंगे ही दे दिता, बाणी दे विच जो कुछ सानू दर्ज मिलदा है, ये इन्ना सत्ता है जिन्ना रब सत्ता है, जे सुनदे हो जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास के आप पैद राखी, नानक सत कुरबान, धरती देख मिला एक वेरा, भाग तेरा भंडारी, आसन लोए लोए भंडार, जोग छपाया सो एका वार, पदार्थ उसने पहले दे दिते, बहुत कुछ दे दिता, गुरु कोल एक दात लैण वास्ते आउंदे हाँ, जिस नाल तर जाइए, वो दात कहड़ी है, वो है गुरु की मत, बंदा बाकी ते सब कुछ मंग लैंदा, अफसोस कि मत नहीं मंगदा,
हुण जिन्ने आउने आ किन्ने क होणगे जिहड़े हथ जोड़ के खलो जाण ते आखण दातिया केवल मत लैण वास्ते आया मैनूं मत दे दे। पातशाह सुचेत भी करदे ने कहिंदे ने अपनी मत नाल डुब जाएगा तरेंगा गुरु की मत नाल गुर की मत तू लहे जाने भगत बिना बहु डूबे सियाने। मत लै ते अगों जवाब मिलदा भलिया पुरशा तेनू मत देन वास्ते ते एडा वड्डा भंडार ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशमान ने तू लैण वास्ते तैयार हो। भाई गुरदास जी का एक बित तुहानू सुना के समाप्ति करा। अज 57 नंबर श्लोक तक असी पहुँच गए कल 58 आरंभ करांगे। भाई गुरदास जी का कवित की है सरवण करो तो समाप्ति करा। भाई साहब जी कहिंदे ने पातशाह जो तुहाडे घरां च जांदे रहे ते चंगे तो चंगे बस्तर तुसी विछाए के बैठो पदार्थ तुसी बनाए के लो छको सेवावां कीतियां सतगुरां दियां। भाई तुसी भी गुरु दे घर आए हो ते गुरु कहिंदे ने मैं ते जाना ते मेरे प्यारे इन्नी सेवा करदे ने ते मेरे घर आए ते मैं इन्हां दे अगे की रखा मैं इन्हां दी सेवा की करा मैं इन्हां दे अगे थाली परोस के केड़ी रखा जिस नाल त्रिपत हो जा। साडे कोल ते ओ ही थाड़ियां ने जिन्हां नाल पेट भर जाए पर गुरु कोल ओ थाल है जिस नाल जन्मां जन्मां दियां भुखां मुक जाण। वो थाल केड़ा है थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो गुरु ने साडे अगे रखे आ कह लिया छक लो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदार। भाई साहब ने कहा जैसे खांड चून गिरत होत कर ही बिखै पै पौना के आए पूरी के खवाए खाई है रोजाना प्रश